मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर त्रिपाठी और हम नई चीज़ आपके लिए लाए। ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपने देखा होगा ए से कैंसिल हो जाता है, बी बराबर सी होता है, ऐसा हमेशा बच्चे सोचते हैं। हालांकि ये छोटे बच्चों के लिए है, फिर भी देखें कि इट इज़ नॉट ट्रू। व्हाई इट इज़ नॉट ट्रू, तो इसका जवाब देखिए। ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू टू और सी इज इक्वल टू ले लें थ्री। और देखें आप कि ए बी क्या है, ए बी है ज़ीरो, ए सी भी क्या है, ए सी भी ज़ीरो और बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, सी। जबकि ए बी और ए सी देखिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसको सही कैसे किया जाए, हाउ इट कैन बी मेड ट्रू, इसे कैसे सही बनाया जा सकता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, इम्प्लाइज का मतलब है इट शोज दैट ए बी इक्वल टू ए सी से पता चलता है बी बराबर सी इफ देयर इज अ कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो कीप दिस इन माइंड, इसको आप ध्यान में रखिए आप कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर होंगे। जब ए बी इक्वल टू ए सी बराबर होंगे तो बी बराबर सी होगा व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ये बात और विश यू ऑल द बेस्ट।